वेलकम फ्रेंड्स, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। लाइनें भले पुरानी हो लेकिन जो सुर जुनून एक नया आ जाता है इनको बोलने पर, है ना। तो बोलना ही नहीं, कुछ ऐसा करना भी है। अक्सर आपके कंपटीशन की एग्जाम में इकाई अंक ज्ञात करना पूछा जाता है, लेकिन टाइम ज़्यादा आप लोग लगा देते हैं और क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। कुछ आपको ऐसा शॉर्टकट बताने वाले हैं जिससे कि आप क्वेश्चन को 10-15 सेकंड में कर जाएं, और उसके लिए आपको हमें केवल 5 मिनट देना होगा। 5 मिनट देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, सब कुछ आएगा, अच्छे से आएगा, स्टेप बाई स्टेप आएगा। देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 213 की घात 116 का इकाई अंक क्या है, तो इसका उत्तर आप लोग नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैंने एक क्वेश्चन कहा यहाँ पर कि आप बताइए 317 इसका इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे फट से इसका इकाई अंक 7 है। 7 है ना। दहाई अंक क्या है? 1 है। सैकड़ा अंक क्या है? 3 है। ये तो आप जानते हैं। लेकिन अगर इसी के ऊपर हमने ढेर सारी घाते लगा दिया, जैसे लिख दिया 19, अब इसका इकाई अंक क्या होगा? अब इसका इकाई अंक आप तभी बता पाएंगे जब आप 317 को 19 बार गुणा करेंगे। ये नहीं कि 19 से गुणा कर दें, 19 बार 317 का गुणा करेंगे, मतलब कि 317 गुणा 317 गुणा 317 गुणा 317 ऐसे 19 बार करें, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ ऐसा शॉर्टकट हम लोग अपनाएंगे जिससे ये मुश्किल ना करना पड़े और हम लोग आसानी से अपना क्वेश्चन कर जाएं। तो देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं। 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, दी गई संख्या की घात को 4 से भाग करते हैं। जो भी संख्या दी गई उसकी घात 116 ना, इसको 4 से भाग कर लीजिए। तो ये मैंने 4 से भाग कर लिया। भाग करना सभी लोग जानते हैं, कितनी बार गया, 4 × 2 = 8, ये 3 आया, घट गया, कट गया, ये सब कुछ हो गया। ऊपर 29 गया, नीचे कितना आया? 0 आ गया। भाग आप कर लेंगे। प्राप्त शेषफल ही उस दी गई संख्या, मतलब जो संख्या दी गई है, जैसे इस क्वेश्चन में 213 दिया गया है, कि नई घात होगी। मतलब 213 की नई घात नहीं, उस दी गई संख्या 213 के इकाई अंक की घात होगी। इसको ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, 213 के इकाई अंक की घात होगी। देखिए, मतलब समझिएगा ये क्या लिखा है, इससे मतलब नहीं, कैसे करेंगे ये समझिएगा। पहले हमने 116 को भाग दे लिया 4 से, अब जो शेषफल आ रहा है, जैसे मानते हैं शेषफल 1 आता 2 आता, तो वही क्या हो जाता, इसमें का जो लास्ट अंक है मतलब 3 का वही घात हो जाती। लेकिन शेषफल अगर 0 आए, देखो कह रहा कि अगर शेष 0 आएगा तो घात को 4 माना जाएगा, तो शेषफल 0 आ रहा है, अतः हम इसके इकाई अंक, मतलब जो 213 का इकाई अंक है वो क्या है, 3 है ना, 3 है ना इकाई अंक, तो इस 3 की घात क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। समझ गए ना, 3 की घात क्या मानेंगे, 4 मानेंगे, और हमारा उत्तर आ जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 3 × 3 4 बार आप गुणा कर लीजिए, तो 3 × 3 = 27 क्या आएगा, 27 × 3 = 81। ये सिंपल सा आ गया। आप जान सकते हैं कि 81 में इकाई अंक क्या है, 1 है ना, 1 है, तो इसका उत्तर क्या हो गया, 1। इकाई अंक क्या है, 1 है ना, मतलब इकाई मतलब हम जानते हैं ना, पीछे से ये पहला। तो ये कितना आसान तरीका था, आपका आंसर 1 आ गया। नहीं समझ में आया, दूसरा सवाल देखिएगा, पक्का समझ में आएगा 100% गारंटी के साथ। तो चलिए अगला सवाल आप देखिए, तुरंत देखिएगा। अब देखिए, इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ये दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है, 15 की घात 18। देखिए, इसका एक ऑप्शन है आसान वाला, वो ये है कि आप 15 को 18 बार गुणा करिए, 15 × 15 × 15 × 15 ऐसे 18 बार गुणा करिए, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन के एग्जाम में अक्सर आते हैं, उसके लिए आपको ये ट्रिक लगाना है, ध्यान से समझिए। सर्वप्रथम दी गई संख्या की घात को 4 से भाग करते हैं। दी गई संख्या की घात 18 है, इसको 4 से भाग कर लीजिए, ये लीजिए मैंने करके आपको दिखा दिया, 18 में 4 से भाग करेंगे तो ये 4 × 16, शेषफल कितना आ गया, देखिए 2 आ गया। अब कह रहा है प्राप्त शेष, जो शेषफल आ रहा 2, दी गई संख्या यानी 213 जो भी इसमें दिया गया है, 213 नहीं है, दी गई संख्या मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या दी गई, 15 ना, 15 यहाँ पे लिखिए, 15 के इकाई अंक की घात होगी, दी गई संख्या के इकाई अंक की घात होगी, मतलब शेषफल जो आ रहा वही उसके इकाई अंक की घात होगी। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 5 है ना, ये इकाई अंक दहाई है, तो ये जो 5 है ना, इसकी घात क्या होगी, जो शेषफल आया मतलब 2, तो अब इसे आप यहाँ पे कर सकते हैं, 5 की घात क्या हो जाएगा, 2। अगर शेषफल 0 आता है तो घात 4 मान लिया जाता है, जैसे पिछले सवाल में देखा था, बट ये उत्तर थोड़ी हो गया। अब क्या करेंगे, 5 की घात 2 का मतलब सभी जानते हैं क्या होगा, 25 होगा, और 25 का इकाई अंक क्या है, 5 है। इसका मतलब
इसका टोटल इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा उत्तर। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही तो नॉन ऑफ दी सही हो जाएगा। लिख लीजिए, बस हो गया, समझ गए ना। इकाई अंक निकालना आप लोग सीख चुके होंगे, हमारी पूरी उम्मीद यही है आपसे। तो आप लोग कुछ होमवर्क करके लेके आएंगे घर से, इनके इकाई अंक क्या है ये आपको बताना है। क्लास जो है बहुत बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत सॉलिड क्लास होगी, आप लोग इकाई अंक निकालना सीख गए होंगे, है ना। बाकी आपकी क्लास 1 घंटे 40 मिनट की वैसे ही रेगुलर होगी जैसे होती है, बस जैसे ही ये सब सारा सिस्टम हो जाता है। कभी कभी बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से आपकी क्लास छोटी जो हो जाती है, वरना आपकी क्लास जो है वो पूरा उसी लेवल में होती है। तो क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए, 218 और 0, इसकी घात है 18 का इकाई अंक होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। और एक सवाल और भी है, 0037 इसका घात है 150 का इकाई अंक क्या होगा। तीसरा सवाल है आपका, वो है 807 की घातें 351 का इकाई अंक क्या होगा। तीन सवाल आपके लिए होमवर्क है, इन तीनों का जवाब आप लोग अवश्य दीजिएगा। अगर आपने ज्वाइन किया तो आपका क्वेश्चन अवश्य चेक किया जाएगा। हल करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा या ईमेल करिएगा। इसके अलावा पढ़ाई से संबंधित अन्य जानकारी के लिए विजिट करें आपकी अपनी वेबसाइट pbrstudy.com, ऑल टाइम 24 घंटे कभी भी कहीं भी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से PVR स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और मुफ्त स्टडी करते रहें, बिल्कुल फ्री, कहीं से भी कभी भी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। अगर आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं तो टेलीग्राम को अवश्य गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें, जो कि सेम व्हाट्सएप की तरह चलता है। टेलीग्राम आपको व्हाट्सएप उसमें गूगल प्ले स्टोर पर लिखना है TELIGRAM, टेलीग्राम। जो ऐप्स आएगा उसे इंस्टॉल करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। सेम आप चैटिंग कर पाएंगे, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग, मतलब जैसे करते हैं ना वैसे आप टेलीग्राम में भी सब कुछ कर पाएंगे। और प्लस स्टडी मटेरियल PVR स्टडी के आपको सब कुछ इस पे दिए जाएंगे। इस पे आप वेरीफाई करने के बाद नंबर वीडियो में आएंगे, वीडियो में आपको लिंक दी गई है उस पे आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये इसी में जस्ट डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दी गई है। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होती तो आप इन नंबरों पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं फिर से, अगली क्लास आपकी वैसे लाइव होगी 1-2 घंटे की जैसे होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, कृपया इस क्लास को लाइक करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने टॉपिक समझ लिया होगा, है ना, कुछ ना कुछ आप सीखे होंगे नया। तो चलते हैं फिर, जय हिंद।